और अब अंधेरा तुम्हें हमेशा के लिए बिल्ली बनाता है। अजगर, अब इसे दुनिया में भटकने के लिए छोड़ दो। जो हुक्म मेरे आका। और अंधेरे से टकराने की सजा दुनिया इसे देखकर जान लेगी। रंजीत सिंह, फिर क्या हुआ? रंजीत सिंह चट्टान में कैद कैसे हो गए? ये एक नया षड्यंत्र था दमराज किलविश का रंजीत सिंह को मारने के लिए। तो क्या रंजीत सिंह की मौत हो गई? बताइए ना, क्या हुआ फिर रंजीत सिंह का? रंजीत सिंह जिंदा है कि नहीं? आप बोलते क्यों नहीं? संकट वत्स असंख्य जीवन संकट में है, और तुम्हें ज्ञात है तुम्हारा पहला कर्तव्य समाज पर आए संकटों को दूर करना है। तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारी कर्म भूमि को तुम्हारी आवश्यकता है। ज्वालामुखी के मुख को बंद करने के लिए मुझे इस चट्टान को काटना होगा। इतना ज्यादा धुआं! प्राकृतिक संकटों से तो मैं दुनिया को बचा सकता हूं, लेकिन इंसान प्रदूषण के द्वारा जो संकट पैदा कर रहा है वो सचमुच बहुत खतरनाक है। अब ये देखो, ये इस तरह ज्यादा धुआं फैलाकर वायुमंडल में प्रदूषण फैला रहे हैं। इन्हें भी सबक सिखाना पड़ेगा। और जद मेला होवे सकीदा है, जद मेला होवे बसाखी दा, फिर किसे नु कुछ नहीं आखी दा। मस्ती विच पंगड़े यो गए नु यार। तुम्हारे ट्रक से निकले हुए धुएं से जंगल के पेड़ पौधों को बहुत कष्ट पहुंचता है, और जंगल के पेड़ पौधे हमारे वन देवता की प्रजा होती है, और प्रजा को कष्ट देने वाले को वन देवता मृत्यु दंड देते हैं। इसीलिए तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। ओ पारी, धुआं ट्रक निकालता है, सजा हमको क्यों मिलेगी? तुम अपने ट्रक की मरम्मत ठीक से नहीं करवाते, उसका इंजन खराब रहता है, इसलिए बहुत सारा धुआं निकलता है, और इस धुएं से वातावरण में प्रदूषण फैलता है। यही बात तो मैं कब से पाजी को कह रहा था। ये पाजी एकदम कंजूस है, मक्खी चूस है। अब ठीक है, हम तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकते हैं। केड़ी पाजी? तुम्हें तुम्हारे इस ट्रक को धक्का मारकर शहर तक ले जाना होगा। शहर तक? इतना भारी ट्रक इतनी दूर? जी। ओ वाहेगुरु, तेरा शुक्र है। मेरी नजर अभी भी तुम पर है। तेर दिया किनिया पक दिया। Thank you.
अब मुझे आगे का हल बताइए। वो रंजीत सिंह चट्टान से निकल पाया, इस वक्त कौन आया होगा? अरे निशा जी, आप कमाल करते हो गंगाधर, कब से नॉक किए जा रही हूँ, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? परंतु अब हमने दरवाजा खोल दिया ना, अब अंदर आ जाइए। थैंक यू। और अब आप अपने यहाँ आने का प्रयोजन बताइए, प्रयोजन। ये देखो क्या लिखा है, शक्तिमान फ्रेंड्स क्लब द्वारा वन बचाओ आंदोलन। शक्तिमान फ्रेंड्स क्लब द्वारा वन बचाओ आंदोलन। वन बचाओ आंदोलन बच्चे शक्तिमान फ्रेंड्स क्लब में मना रहे हैं और उनका सम्मान करने पर्यावरण मंत्री शक्तिमान फ्रेंड्स क्लब में खुद आ रहे हैं। और शक्तिमान 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 शक्तिमान, बहुत मेहनत की है तुमने धुरंधर, शक्तिमान को बदनाम करने की तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। क्यों? अरे बोलते क्यों नहीं तुम? तुम्हारी अखबार की सुर्खियों से मैं ये तो जान गया हूं कि पर्यावरण मंत्री शक्तिमान को मिलने शक्तिमान फ्रेंड्स क्लब में आ रहा है। पर्यावरण मंत्री और शक्तिमान दोनों एक साथ एक स्टेज पर, अच्छा इत्तेफाक है, बहुत अच्छा, दोनों मेरे दुश्मन एक साथ। पर्यावरण मंत्री और शक्तिमान दोनों आपके दुश्मन? हाँ, पर्यावरण मंत्री और शक्तिमान दोनों मेरे काम में खलल डालते हैं। तुम्हारी इस न्यूज ने मुझको बता दिया कि वो दोनों एक साथ मिलेंगे, इसीलिए मैं तुम्हें एक मौका और दे रहा हूँ। चोपड़ा साहब धन्यवाद, धन्यवाद। ए सिन्हा तुम बोलो। धन्यवाद सर, आपने हमरे गुरुजी को छोड़ दिया, धन्यवाद। पर याद रहे, तुम्हारा काम शक्तिमान को बदनाम करना है, समझ गए ना? जी। अरे चोपड़ा साहब आप बेफिक्र रहे, अब आप देखें शक्ति मनुआ को कैसन बदनाम करता हूँ। ऐसा ऐसा न्यूज छापूंगा कि शक्ति मनुआ बदनाम होके रहेगा। आज पॉल्यूशन कंट्रोल डे मनाया जा रहा है। ओह, आपका मतलब है कि प्रदूषण रोको दिवस। यस, प्रदूषण रोको दिवस को सफल बनाने में सहयोग दीजिए। कूड़ा करकट सिर्फ कचरे के डब्बों में ही डालिए। अपने वाहनों के इंजनों को हमेशा ठीक रखिए। पानी हवा जमीन को प्रदूषण से मुक्त रखने का संकल्प करें। प्रदूषण की वजह से देवी जी लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर को। अरे देवी जी, वक्ता महोदय लोगों से प्रदूषण रोकने का आग्रह कर रहे हैं और स्वयं ध्वनि विस्तारक यंत्र लाउड स्पीकर से ध्वनि प्रदूषण फैला रहे। यानी नॉइज पोल्यूशन। यस। गंगाधर तुम नहीं सुन रहे। क्या हुआ था शर्मा, तुम्हारे चेहरे पर इतनी बदहवासी क्यों है? सर वो रेडिएशन से मरने वाले मजदूरों की गिनती में 2 का इजाफा और हो गया है। कोई गड़बड़ी? कोई गड़बड़ी नहीं सर, मैंने बाकी मजदूरों को इसकी भनक तक नहीं लगने दी है। वेरी गुड। लाशें अंदर है सर, आइए चलो। ये देखिए सर, ये देखिए सर, इन दोनों मजदूरों की मौत हमारे फैक्ट्री में रखी यूरेनियम की रेडियोधर्मिता के फैलने की वजह से हुई है। सर पर्यावरण मंत्री तो पहले ही हम पर शक कर रहे हैं, अगर मजदूरों के मरने की बात मार्केट में फैल गई तो उनका शक यकीन में बदल जाएगा सर। ऐसा होने से पहले पर्यावरण मंत्री स्वर्गवासी हो जाए। हम यहाँ वन महोत्सव में शक्तिमान से मिले हैं, याद है ना? शक्तिमान भैया, फिर वही अग्नि परीक्षा। शक्तिमान और गंगाधर एक साथ एक ही जगह, परंतु कैसे? क्या सोच रहे हो तुम? नहीं, वो हम सोच रहे थे कि तुम बाद में सोचना, पहले तुम मेरी बात सुनो। तुमने आज मेरी फोटो भी खींचनी है शक्तिमान के साथ। आई? अब देवी जी कदाचित ये संभव नहीं है। क्यों नहीं? वो हम अपने कैमरे के साथ तो पूरी तरह से तैयार हैं, परंतु हमें लगता नहीं है कि शक्तिमान भैया यहाँ आएंगे। वो जरूर आएंगे। आई? हम शक्तिमान के दोस्त हैं।
शक्तिमान फ्रेंड्स क्लब के प्रोग्राम में बुलाने पर जरूर आते हैं। सुन लिया। पलाश, अप्पू को बहुत तेज बुखार है, वो नहीं आ सकता। ओ नो, अब क्या होगा? क्या हुआ? आज हम मंत्री जी के सामने पर्यावरण विषय पर एक छोटा सा नाटक करने वाले हैं। मेन रोल अप्पू कर रहा है, मेन गाना भी वही गा रहा है, लेकिन उसे तो बुखार है। अब हमारा नाटक कैसे होगा? नाटक होगा दोस्तों। लेकिन कैसे? आप लोग शक्तिमान भैया के दोस्त हैं, आप लोगों का नाटक होगा, अप्पू का रोल हम करेंगे। अद्भुत अदम्य साहस की परिभाषा है ये, मिटती मानवता की क्राशा है ये, सृष्टि की शक्ति का वरदान है ये, अवतार नहीं है ये इंसान है, शक्तिमान। ये आत्मशक्ति है, दुनिया बदल सकती है, फूलों में ढल सकती है, शोरों से जल सकती है। होता है जब आदमी को अपना ज्ञान कहलाया वो शक्तिमान, 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 शक्ति, शक्तिमान, शक्ति, 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 शक्ति, शक्तिमान। अद्भुत अदम्य साहस की परिभाषा है ये, मिटती मानवता की क्राशा है सकती है, फूलों में ढल सकती है, शोरों से जल सकती है। होता है जब आदमी